बात उस समय की है जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब एक बार वे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। रास्ते में एक बाग के पास वे लोग रुके। बाग के पेड़ पर पक्षियों के घोंसले थे। उनकी पत्नी ने कहा, दो घोंसले मंगवा दीजिए, मैं इन्हें घर की सज्जा के लिए रख लूँगी। उन्होंने साथ चल रहे पुलिस वालों से घोंसला लाने के लिए कहा। पुलिस वाले वहीं पास में गाय चरा रहे एक बालक से पेड़ पर चढ़कर घोंसला लाने के बदले 10 रुपये देने की बात कहने लगे, लेकिन वह लड़का घोंसला तोड़कर लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। टीएन सेशन ने उसे 10 की जगह 50 रुपये देने की बात कही, लेकिन फिर भी वह लड़का तैयार नहीं हुआ। उसने टीएन सेशन से कहा, साहब जी, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, शाम को जब वह भोजन लेकर आएगी तब अपने बच्चों को ना देखकर बहुत दुखी होगी, इसलिए आप चाहे जितना पैसा दे दें, मैं घोंसला नहीं तोड़ सकता। इस घटना के बाद टीएन सेशन को आजीवन यह गिलानी रही कि जो चरवाहा एक बालक सोच सका, उसके अंदर जैसी संवेदनशीलता थी, इतने पढ़े लिखे और आईएएस होने के बाद भी वे यह बात क्यों नहीं सोच सके, उनके अंदर वह संवेदना क्यों उत्पन्न नहीं हुई। शिक्षित कौन हुआ, मैं या वो बालक? उन्होंने कहा, उस छोटे बालक के सामने मेरा पद और मेरा आईएएस होना गायब हो गया। मैं उसके सामने एक सरसों के बीज के समान हो गया। शिक्षा, पद और सामाजिक स्थिति मानवता के मापदंड नहीं हैं। प्रगति को जानना ही ज्ञान है। बहुत सी सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जीवन तभी आनंददायक होता है जब आपकी शिक्षा से ज्ञान, संवेदना और बुद्धिमत्ता प्रकट हो। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि इस दुनिया में अरबों मनुष्य का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु इस दुनिया से जाते समय कोई भी सुई बराबर वस्तु नहीं ले जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।